बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। नमक एक चाय का चम्मच, पिसी हुई सूख मिर्चें ये भी एक चाय का चम्मच, कुटी हुई मिर्च ये भी एक चाय का चम्मच, गरम मसाला एक चाय का चम्मच, खशखाश एक चाय का चम्मच, कबाब चीनी ये भी एक चाय का चम्मच है, सौंफ है ये भी एक चाय का चम्मच है, तिल और बादाम का पेस्ट है ये एक खाने का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट है ये भी एक खाने का चम्मच, हरी मिर्चें हैं चार अदद हैं, हरा धनिया है थोड़ा सा हमने लिया है, एक अदद प्याज है और एक अदद अंडा है, ब्रेड क्रम्स हैं ये आधा कप हैं और चांदी के वर्क हैं, गाय का कीमा है ये भी आधा किलो के करीब है और चिकन का कीमा है ये भी आधा किलो के करीब है। अब हम तमाम मसालों को डाल के इसको अच्छे तरह से ग्राइंड करते हैं और आपको दिखाती हूँ। प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चों को मैं जो है चॉप कर रही हूँ और इसे आपको दिखाती हूँ। कीमा है गाय का, इसको मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तिल और बादाम का पेस्ट है ये इसमें शामिल कर रहे हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है ये डालेंगे हम इसमें, और ये तमाम मसाले जो हैं वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। चिकन का कीमा है अब ये भी इसमें शामिल कर रही हूँ। एक अदद अंडा है और ये हाफ कप के करीब जो है ब्रेड क्रम्स डाल रहे हैं, इसको मैं अच्छी तरह से चॉप करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, तब मैंने इस कीमे को ले लिया है। अब मैं इस तरह से ऑयल अपने हाथों पे लगाऊंगी, थोड़ा सा हम कीमा लेंगे और इसके आप जैसी शेप चाहे आप दे सकते हैं, तो मैं इसको जो है हाफ मून की शेप दूंगी। इस तरह से कर करके हम इसके शेप देते जाएंगे। ये मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। जैसे ये गरम होता है तो हम ये कबाब रखते हैं, तो मैंने इनको जो है इस तरह की शेप भी दी है, आप जैसी शेप चाहें दे सकते हैं। और मैंने इनको इस शेप में भी बनाया है, तो इस जैसी भी ये शेप आप चाहे बना सकते हैं। तो इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, फिर दिखाते हैं इसके बाद। ये चंदन कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।